नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। दोस्तों आजकल देश के अंदर आई फ्लू बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हम पिंक आई भी बोल सकते हैं, इसको कंजक्टिवाइटिस भी हम बोलते हैं और आंख आना भी इसको बोलते हैं। ये जो कंजक्टिवाइटिस है वो क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके अंदर जो मेडिसिन है वो क्या हम यूज कर सकते हैं, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखिए, जिससे आपको आई फ्लू या आंख आना या जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं उसके बारे में आप तक सही जानकारी पहुंच सके। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपकी आंखों के अंदर चुभन, दर्द होना या फिर सूजन आ सकती है, जिसके अंदर आंखों में स्वेलिंग आ जाती है या फिर आंखों के अंदर आपको इचिंग भी हो सकती है। इसके अंदर आपकी जो आंखें हैं वो रेडनेस टाइप की हो जाती है और आंखों में बहुत तेज दर्द भी होता है, बहुत तेज चुभन भी होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जिस मेडिसिन का हम यूज करते हैं उसका नाम है मोक्सीफ्लोक्सासिन प्लस डेक्सोमेथासोन। मोक्सीफ्लोक्सासिन इसके अंदर एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और डेक्सोमेथासोन एक स्टीरॉयड मेडिसिन है। दोस्तों मोक्सीफ्लोक्सासिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल करती है। ये मोक्सीफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है और आपकी आंखों में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो स्टीरॉयड होता है जिसको हम डेक्सोमेथासोन बोलते हैं, वो अगर आपकी आंखों में आई इन्फेक्शन के कारण से स्वेलिंग आ गई है उस स्वेलिंग को ये ठीक करता है। इस प्रकार इस मेडिसिन के अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है और डेक्सोमेथासोन एक स्टीरॉयड मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है वो दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इस मेडिसिन को आप फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम से भी ले सकते हैं, जैसे मोक्सी डी है, मोक्सी सिप डी है या मोक्सी ग्राम एम है। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम, ये अपने पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको फार्मेसी में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों वीडियो में हम आगे जान लेते हैं इस आई ड्रॉप के यूजेस के बारे में। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि ये जो आई ड्रॉप है वो एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सोमेथासोन दो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, ये दोनों ही मेडिसिन मिलके आंखों में जो बैक्टीरियल आपको इन्फेक्शन हो गया है उसको ये ठीक कर और साथ साथ में आंखों के अंदर आपके स्वेलिंग आ गई है इन्फेक्शन के कारण उसको भी ये मेडिसिन ठीक करती है। दोस्तों अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो इसके अंदर आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। आपकी आंखों में रेडनेस हो जाएगी, आपकी आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपकी आंखें चिपकी हुई आपको मिल सकती है या फिर आपकी आंखों की जो पलकें हैं वहां पे आपको स्वेलिंग हो सकती है। आंखों के अंदर दर्द, चुभन या खुजली आपको चल सकती है। ये आपको कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को आपको मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं इस आई ड्रॉप के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए इस दवा को यूज करते हैं वैसे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको सूजन हो सकती है आंखों में दर्द या चुभन भी हो सकती है। अगर ये दर्द और चुभन अगर आपको ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर करें और डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इस आई ड्रॉप का आपको यूज करना है। आगे जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। इस जो आई ड्रॉप का जो यूज है वो एडल्ट व्यक्ति दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और प्रत्येक बार एक ड्रॉप आपको आंख में डालनी होती है। तो जब भी आप इस ड्रॉप का यूज करें तो सबसे पहले अपनी आंखें हैं वो ठंडे पानी से आप धो लें, उसके बाद में साफ कपड़े से अपनी आंखों को साफ करके इस आई ड्रॉप का आपको यूज करना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य किसी व्यक्ति के भी काम आ सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।